नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक के अंदर राजस्थान के प्रमुख लोक देवी जो है, हम सब्जेक्ट पर टॉपिक पढ़ रहे हैं और लोक देवी टॉपिक में से हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवी जिनका नाम है जीण माता। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को राजस्थान की प्रमुख लोक देवी जीण माता के बारे में बताऊंगा। जीण माता के बारे में पढ़ते हैं, उससे पहले आप लोग जो है मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है उसको दबा दीजिए ताकि जो भी अगर आपको जैसे वीडियो आए तो वो आपको मतलब जो है उसकी सूचना मिल जाए और राजस्थान कल्चर और इतिहास और ज्योग्राफी जो है राजस्थान जीके के प्रत्येक टॉपिक का मतलब जो है यहाँ पर आपको जो है लाया जाएगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ और राजस्थान की प्रमुख लोक देवी जीण माता के बारे में हम इस बात में चर्चा करेंगे। कहते हैं कि जीण माता जो है, इस जीण माता का जो बचपन का नाम था, यानी कि जीण माता का वास्तविक नाम, जीण माता का वास्तविक नाम याद रखना दोस्तों, इनका वास्तविक नाम था जयवंती बाई। कहते हैं कि जीण माता के जो पिता थे, पिता का नाम था धनराज चौहान। और इनके जो भाई थे वो थे हर्ष, इनका बड़ा भाई था। वास्तविक नाम जयवंती भाई, पिता इनके धनराज चौहान और भाई जो थे वो थे हर्ष। कहते हैं कि इनका जो जन्म है चौहान वंश राजपूत परिवार में हुआ है, धनराज चौहान के घर इनका जन्म होता है। और ऐसा कहते हैं कि जीण और हर्ष बड़ा भाई था, जीण छोटी बहन थी। बचपन के अंदर इनके मम्मी पापा गुजर जाते हैं तो हर्ष बड़ा भाई होने के नाते अपनी बहन छोटी बहन हर्ष जीण की जो है वो सारी जिम्मेदारी हर्ष के ऊपर आ जाती है। हर्ष अपनी बहन जीण को बहुत ज्यादा चाहता है। दोनों बहन भाई बड़े होते हैं और बड़े होते हैं तो भाई हर्ष की शादी हो जाती है और शादी होने के पश्चात घर के अंदर जो है जीण के लिए भाभी आ जाती है। जीण के लिए भाभी आ जाती है। भाभी जब आई तो भाभी ने अपने भाई ये जो है भाभी ने जो है जीण और उसके भाई हर्ष का प्रेम देखा तो दोनों बहन भाइयों का प्रेम देख करके भाभी से रहा नहीं गया। भाभी ने सोचा कैसे करके मतलब जीण को इस घर से निकालना चाहिए। तब घर से निकालने के लिए भाभी एक षड्यंत्र रचती है। ऐसा कहा जाता है कि जीण और जीण की भाभी रोज शाम को जो है सरोवर पर पानी लाने के लिए जाती थी और पानी लेकर के जब घर आती तो भाई हर्ष अपनी बहन जीण का गड़ा पहले उठाता। रोज रोज मतलब जो है ये मतलब सिस्टम चलता रहता था। बहन जीण का गड़ा ये रोज मतलब सबसे पहले उतारते थे तो ये मतलब जो है भाभी से देखा नहीं। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन शाम को जीण और उसकी भाभी सरोवर से पानी भर करके वापस घर की तरफ रवाना हुई तो रास्ते के अंदर जीण की भाभी जीण से बोलती है, कहती है कि जीण आज देखना तेरे भैया पानी का घड़ा पहले मेरा होता है। जीण ने कहा कि भाभी सर रोज भैया पानी का घड़ा पहले मेरा उतारते हैं, आज भी मेरा ही उतार। इन दोनों के अंदर मतलब जो है ये फोड़ लगी। दोनों घर आई और घर आए तो भाई हर्ष ने अपनी बहन जीण का घड़ा पहले उतार दिया। जैसे ही बहन जीण का घड़ा पहले उतारा और भाभी नाराज हो गई तो भाभी ने हर्ष को बोला, काजी मैं भी तो आपकी अर्धांगिनी हूं, ये आप रोज रोज मतलब जो है पानी का घड़ा अपनी बहन का उतारते हो, कभी तो एक दिन मेरा भी उतार दिया करो पहले पानी का घड़ा। हर्ष ने कहा इसमें नाराज होने की क्या बात है, ये हर्ष जीण अपनी छोटी बहन है, मैंने उतार दे तो उतार दे, इसमें नाराज होने की क्या बात है। कहा नहीं नहीं आप मेरे से वादा करोगे कल पानी का घड़ा पहले मेरा उतारोगे। हर्ष ने कहा कि ठीक है जी कल पानी का घड़ा आपको पहले उतारेंगे। दूसरे दिन शाम को जब दोनों ननद भोजन सरोवर से पानी भर करके रवाना हुई तो अब की बार मतलब जो है जीण की भाभी जीण से बोलती है कि जीण आज अगर तेरे भैया पानी का घड़ा पहले मेरा उतार दे तो तू क्या करेगी। जीण बोलते है भाभी सा ये बात तो आपने कल ही मुझसे कही थी लेकिन हुआ क्या था। क्या कि नहीं आज बताओ आप क्या करोगी। क्या कि भाभी सा ऐसी बात हुई तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज अभी और इसी वक्त ये घर छोड़ के हमेशा चली जाऊंगी। जैसे ये बात कही जीण की भाभी मन ही मन खुश हो गई।
दोनों ननद भुजाएं घर पे आई और भाई हर्ष अपनी घरवाली यानी कि अपनी घरवाली का गड़ा जो पहले उतारा था, जैसे घरवाली का गड़ा पहले उतारा, जीन को गुस्सा आया, जीन अपना पानी का गड़ा रख करके उसी समय घर से हमेशा हमेशा लिए निकल गई। जीन निकल करके अपने यहाँ पहाड़ियों के अंदर आ गई रेवास्तर साइड में, और यहाँ आकर के यहाँ आ गई तो भाई हर्ष उसको मनाने के लिए पीछे पीछे आता है। भाई हर्ष जीन को मनाता है लेकिन जीन मानती नहीं है। भाई हर्ष खूब कोशिश करता है जीन को घर ले जाने के लिए लेकिन मानती नहीं है। वापस घर जब जीन नहीं चलती है तो हर्ष ने कहा कि जीन अगर तुम घर पर नहीं चलोगी तो मैं भी वापस घर नहीं जाऊंगा। और कहते हैं कि एक तरफ की पहाड़ी पर तो जीन भगवान शंकर की तपस्या करने लग गई और सामने की पहाड़ी पर हर्ष तपस्या करने लग गया। और ऐसा कहा जाता है कि आगे चल ये दोनों मतलब जो है भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे और आगे चल करके जीन तो माँ दुर्गा के रूप में उतरित हुई और हर्ष जो है भगवान अपन जो है भैरवनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोनों भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। जीन कहते हैं कि जीन जो है वो अपन जो है इनका जो मुख्य मंदिर है वो है रेवास्ता गाँव में। रेवास्ता गांव के अंदर इनका मंदिर है, रेवास्ता गांव सिक्कर यहाँ इनका मंदिर है। और ये जो मंदिर है वो है हर्ष की पहाड़ी पर, हर्ष की पहाड़ी पर मतलब जीन माता का मुख्य मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर का जो निर्माण है आगे चलकर के कहते हैं कि मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था निर्माता, याद रखे आप, निर्माता है एक पृथ्वीराज चौहान, चौहानों का एक शासक हुआ है पृथ्वीराज चौहान प्रथम का एक सामंत था, वो सामंत का नाम था हट्टड़ ने 1064 ईस्वी के अंदर जो है इनका मंदिर बनाया। पृथ्वीराज चौहान प्रथम का सामंत हट्टड़ 1064 ईस्वी के अंदर रेवास्ता गांव के अंदर जीन माता के मंदिर का निर्माण कर। और जीन माता के उपनाम आप याद रखें, जीन माता का उपनाम अगर आपसे पूछे तो जीन माता को कहा जाता है मधुमक्खियों की देवी, इनको कहा जाता है मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की इनको कहा जाता है मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी। जीन को मधुमक्खियों की देवी क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि जीन मतलब एक बार क्या हुआ कि दिल्ली का एक बादशाह था जिसका नाम था औरंगजेब। दिल्ली का बादशाह था औरंगजेब, औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुगल बादशाह। ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब ने अपने सेना को आदेश दे रखा था कि भाई अपने रास्ते के अंदर कोई भी अगर हिंदू मंदिर देवी देवताओं का आए तो उस मंदिर को तोड़। औरंगजेब की सेना रेवास्ता गांव में आई हुई थी और उस समय तो जीन माता के मंदिर के बारे में पता चलता है तो कहते हैं कि सेना को मंदिर तोड़ने का आदेश दिया गया। तो जब सेना जीन माता के मंदिर को तोड़ने के लिए मतलब आगे बढ़ती है तो कहते हैं कि इन पहाड़ियों से मधुमक्खियों ने सेना के ऊपर अटैक किया, मधुमक्खियों ने सेना के ऊपर अटैक किया तो वहां पर सेना मतलब संकट में आ गई थी। और संकट में आ गई तब ये देख करके औरंगजेब ने जीन माता से विनती की, कहा कि देवी आप इस मधुमक्खियों के प्रकोप को बंद कर दीजिए और आज के बाद मैं वादा करता हूं कि मैं कोई भी हिंदू मंदिर नहीं तोड़ूंगा। और उसके बाद मतलब कहते हैं कि जाकर के मधुमक्खियों का प्रकोप कम हुआ और बाद के अंदर औरंगजेब जो वापस दिल्ली जा रहा था तो ऐसा वादा करके जाता है कि माता जी के मंदिर के अंदर अखंड ज्योति का जो भी खर्चा होगा वो मैं दिल्ली से भेजता रहूंगा। और कहते हैं कि औरंगजेब के बाद जो भी बात करते हैं वो भी मतलब जो ये खर्चा भेजते गए और आज भी वर्तमान के अंदर जीन माता के जो मंदिर के अंदर जो भी खर्चा होता है वो सारा सारा दिल्ली सरकार की तरफ से आता है। तो इन्हें मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। जीन माता का ये जो मंदिर है इस मंदिर के सामने की पहाड़ी पर भाई हर्ष का मंदिर है। और जीन माता का अगर आपसे मेला पूछ ले इनका मेला कब लगता है तो याद रखना दोस्तों इनका मेला लगता है नवरात्र जो है वो चैत्र और आश्विन दोनों नवरात्रों के अंदर जीन माता का मेला लगता है।
और जीन माता के मेले वर्तमान में कहा जाता है कि भाई यहाँ पर जो है जीन माता का जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर पशु बलि पर रोक लगी गई है। पशु बलि पर रोक, पशु बलि पर रोक लगा रखी है। और कहते हैं कि जो है यहाँ पर, मतलब पहले तो बकरे वगैरह चढ़ाते थे, लेकिन आज कल सिर्फ बकरे का सिर्फ कान काट के मतलब जो है यहाँ चढ़ाया जाता है, यानी वहां पर बकरा नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ कान कान मतलब चढ़ाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के अंदर जो प्रतिमा है, जीन माता की प्रतिमा अष्टभुजी प्रतिमा है, अष्टभुजी प्रतिमा। और जीन माता के मंदिर के अंदर मूर्ति पर ढाई प्याला शराब चढ़ाया जाता है, ढाई प्याला शराब चढ़ाया जाता है, शराब ढाई प्याला शराब जो है यहाँ पर चढ़ाया जाता है। और जीन माता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जीन माता का जो गीत है, जीन माता का गीत, इस गीत को कहा जाता है चिरजा, चिरजा इस गीत को कहा जाता है। और ये गीत सबसे लंबा गीत है, सबसे लंबा गीत है। और ये गीत जो है वो करुण रस में गाया जाता है, करुण रस में गाया जाता है, करुण रस में गाया जाता है। ये भाई आपने राजस्थान की लोक देवी है, जिनका नाम क्या है, जीन माता। एक बार मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने। जीन माता जिनका वास्तविक नाम था जयवंती बाई, पिता इनके धनराज चौहान थे, इनके जो बड़े भाई थे वो थे हर्ष, ठीक है। और इनका मुख्य मंदिर है रेवास्ता गांव सीकर के अंदर हर्ष की पहाड़ी के ऊपर। और इस मंदिर का जो निर्माता है वो है पृथ्वीराज चौहान प्रथम, और पृथ्वीराज चौहान प्रथम का समत हट्टर जो है 1064 ईस्वी के अंदर इस मंदिर का क्या करवाता है, निर्माण करता है। जीन माता को मधुमेह क्योंकि देवी कहा जाता है, ठीक है। और इनका जो मुख्य मंदिर है, उस मुख्य मंदिर के सामने की पहाड़ी पर भाई हर्ष का मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि यहाँ इनका जो मेला है वो नवरात्रों के अंदर लगता है, और इनके जो मंदिर के अंदर पशु बलि के ऊपर रोक लगा रखी है। मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो अष्टभुजी प्रतिमा है यहाँ पर, और यहाँ पर देवी के ढाई प्याला शराब चढ़ाई जाती है। जीन माता का गीत जो है उसको चिरजा कहा जाता है, और ये सबसे लंबा गीत है, और करुण रस के अंदर ये गीत गाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था अपने आज की टॉपिक जिसका नाम था जीन माता। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, और मिलते हैं कल वापस नए टॉपिक के साथ।